हाँ जी नमस्ते दोस्तों, तो स्वागत है आपका तेजस चंदेल यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम कवर करेंगे एक बेहतरीन और डॉक्टर के द्वारा सुझाई गई सबसे बेहतरीन स्किन लाइटनिंग क्रीम के बारे में, और ये बहुत ज़्यादा सेफ है। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ कोजीविट अल्ट्रा जेल के बारे में। तो आज मैं आपको इसके सारे बेनिफिट्स बताऊंगा, किस तरह से यूज़ करनी है, इसका सही तरीका क्या है वो बताऊंगा, कौन लोग पर्टिकुलर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे लोग बिना सोचे और बिना समझे उठा के यूज़ करने लगते हैं कोई भी चीज़ अपने फेस के ऊपर, इसके क्या साइड इफेक्ट हैं एंड कब आपको असलियत में रिजल्ट किस तरह के देखने को मिलेंगे वो भी पूरी सच्चाई के साथ आपको बताऊंगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए, यू नो व्हाट टू डू, यू हैव टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड वो बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा। Let's roll the video. दोस्तों जो स्किन लाइटनिंग क्रीम होती है ना, वो एक सिंपल फंडे पर काम करती है, और वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल फंडा है। बेसिकली ये आपके टायरोसिन AKA मेलानिन को कम कर देती हैं, जिसके कारण आपकी जो स्किन टोन है वो थोड़ी फेयरर टोन की तरफ जाने लगती है। मतलब आपकी बॉडी नेचुरली एक एंजाइम प्रोड्यूस करती है जिसको कहते हैं हम मेलानिन, जो आपकी बॉडी को कलर देता है। अगर आप थोड़े डार्कर टोन में है तो ज़्यादा मेलानिन आपकी बॉडी प्रोड्यूस करती है, अगर आप लाइटर टोन में है तो कम मेलानिन आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होता है। तो जो स्किन लाइटनिंग क्रीम्स होती ना दोस्तों, वो आपका मेलानिन का प्रोडक्शन थोड़ा कम कर देती है। तो जैसे कि मैंने आपको समझाया, जब मेलानिन का प्रोडक्शन ही कम होगा तो आप नेचुरली फेयर टोन में जाने लगेंगे। तो दोस्तों ये है हमारी कोजीविट की अल्ट्रा जेल, जो कि कमाल का काम करती है, और डॉक्टर की ये पसंदीदा क्रीम है क्योंकि इनके बहुत कम साइड इफेक्ट्स भी होते हैं और एक काफी ज्यादा सेफ होती है। व्हाट आई मीन बाय काफी ज्यादा सेफ, से मतलब इनके अंदर प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट पड़े होते हैं। अब पैकेजिंग से शुरुआत करेंगे, पैकेजिंग बिल्कुल इनकी स्टैंडर्ड रहती है जैसे कि हर एक मेडिकेटेड क्रीम की रहती है, तो पैकेजिंग में कोई उम्मीद मत रखिएगा, लेकिन इसका जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ही इसके असली सुपरस्टार हैं। और आपको बड़ी बड़ी स्किन केयर की जो क्रीम्स आती हैं उनमें भी ये इंग्रेडिएंट्स जल्दी से देखने को नहीं मिलेंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहला जो मेन सुपरस्टार इंग्रेडिएंट है इसमें नायसिनमाइड पड़ा है, जो कि आपके एक्ने को सही करता है, आपको यूवी प्रोटेक्शन देता है, स्पेशली यूवी बी रेजिस से आपको बचाता है, एंड इसी के साथ ही आपके पोर्स को मिनिमाइज करता है और आपके ऑयली स्किन को भी कंट्रोल करता है, उस पर ऑयल का जो प्रोडक्शन है उसे कंट्रोल करके रखता है, जिसकी वजह से भी आपको कई बार एक्ने होते हैं। इसी के साथ दोस्तों इसमें आपको टोकोफिरॉल देखने को मिलेगा, जो कि विटामिन ई की प्योर फॉर्म मानी जाती है, और बहुत ही कम ऐसी क्रीम्स होती है जिसमें प्योर फॉर्म ऑफ विटामिन ई आपको देखने को मिलता है। व्हेन आई से विटामिन ई, इट्स एन एंटीऑक्सीडेंट जो कि आपकी जो स्किन है उसे फ्री रेडिकल से बचाता है, मतलब बाहर का पोल्यूशन को अंदर घुसने नहीं देता, एक बैरियर लगा देता है, एंड इसी के साथ ही आपकी स्किन को सपल, स्मूथ एंड मॉइस्चराइज रखता है। The third ingredient which I really love is called glycolic acid, which is an AHA, मतलब alpha hydroxy acid. ये आपकी पहली layer of skin को निकाल के फेंक देता है और आपकी natural skin आती है नीचे से, जो कि baby supple smooth skin लगती है। तो जिन लोगों को tanning का problem है वो काफी ज्यादा उनको फायदा होता है इस particular ingredient से। इसी के साथ दोस्तों इसमें आपको arbutin देखने को मिलेगा, जो कि hydroquinone का derivative होता है, और आपके brown spots जो हो जाते हैं specially धूप में निकलने के कारण, या फिर black spots जो हो जाते हैं एक्ने के बाद, तो उनको सही करता है। अब कैसे सही करता है, ये बेसिकली आपका जो मेलानिन होता है उसे चारों दिशाओं में फैला देता है। देखिए जनरली जब भी आपका कोई हील्ड स्किन होती है ना, तो वो आपने देखा होगा कि वहाँ पे काला काला निशान पड़ जाता है। वो काला काला निशान इसीलिए पड़ता है क्योंकि वहाँ पे इकट्ठा हुआ है मेलानिन। अब जब हाइड्रोक्विनोन का डेरिवेटिव यानी आरब्यूटिन उस पर लगता है तो उसे चारों दिशाओं में फैला देता है, जिसके कारण आपकी जो स्किन है एकदम एक टोन की समान रूप में नजर आती है दोस्तों। किसी के साथ ही इसमें आपको कोजिक एसिड भी देखने को मिलता है। कोजिक एसिड आप कह सकते हैं कहाँ से डिराइव किया जाता है, फंगस से डिराइव किया जाता है, और ये बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट माना जाता है क्योंकि सेफ इंग्रेडिएंट है। आपकी स्किन को ये एक नेचुरल टोन देता है, आपकी स्किन को लाइटन अप करता है, ये आपके टायरोसिन यानी कि आपके मेलानिन का जो प्रोडक्शन है उसे कम कर देता है, जिसके कारण आपकी जो स्किन है सपल, स्मूथ एंड लाइटर एंड वाइटर दिखती है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों इसमें आपको लिक्योरस एक्सट्रैक्ट एंड मलबरी एक्सट्रैक्ट देखने को मिलता है। लिक्योरस एक्सट्रैक्ट जो होता है दोस्तों, ये बेसिकली आपकी ड्राई एंड फ्लेकी स्किन जो हो जाती है उसे सही करता है, उसे रिपेयर करता है एंड उसे हील करता है। इसी के साथ ही मलबेरी एक्सट्रैक्ट भी एक ह्यूमक्टेंट का काम करता है, आपको एक नेचुरल मॉइस्चर देता है। इफेक्टिवनेस या बेनिफिट्स की बात करूँ तो दोस्तों सबसे पहला बेनिफिट तो आपको यही देखने को मिलेगा कि 1 से 2 टोन तक आपकी जो स्किन है थोड़ी सी ब्राइटन अप हो जाएगी। व्हेन आई से ब्राइटन अप, मतलब जो आपका ओरिजिनल कलर है उसमें एक ग्लो आ जाएगा, ना कि बिल्कुल सफेद हो जाओगे आप। ऑलराइट, सेकेंडली आपके जो दाने हैं उसके बाद जो
धब्बे रह जाते हैं उनमें थोड़ा आपको फर्क देखने को मिलेगा, लेकिन ये ओवरनाइट नहीं होगा। हद से हद आपको 4 से 6 या हद से हद आपको 8 हफ्ते तक इस क्रीम के साथ लगातार पेशेंसली लगानी है क्रीम। तीसरी चीज, आपकी अगर पोर्स विजिबल हैं तो वो पोर्स छोटे हो जाएंगे, थोड़े श्रिंक हो जाएगा बिकॉज ऑफ नाइसिनमाइड। एंड चौथी चीज, अगर आपको टैनिंग भी है तो टैनिंग भी सही हो जाएगी। लेकिन ये सारे के सारे बेनिफिट्स आपको वो तब मिलेंगे जब आप इस क्रीम को कंटिन्यू यूज करेंगे। अब यूज कब करना है? यूज दोस्तों आपको करना है इसे सिर्फ और सिर्फ रात में सोने से पहले। कैसे करना है? मुंह धोना है एंड इसी के साथ ही सिंपली इस क्रीम को लगा के आपको सो जाना है, दैट्स इट। इसके ऊपर कुछ और चीज आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। एंड रिमेंबर, जब भी मैं कोई भी मेडिकेटेड क्रीम के बारे में बताता हूँ तो सुबह उठने के बाद जब आप नहा के मुंह धोते हैं तो उसके बाद आपको एक अच्छी सनस्क्रीन से प्रोटेक्ट भी करनी है स्किन, वरना कोई फायदा नहीं होगा ऐसी मेडिकेटेड क्रीम्स को लगाने का। दोस्तों अगर मैं साइड इफेक्ट की बात करूं तो इस पर्टिकुलर क्रीम का ऐसा कोई मेरी नज़र में साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों की जो स्किन है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है तो कई बार रेडनेस हो सकती है, इचिंग हो सकती है, हद से हद पीलिंग हो सकती है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। किन लोग को यूज नहीं करनी है ये क्रीम? वो लोग जो स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम को यूज कर रहे हैं या कर चुके हैं और उसकी वजह से उनकी जो स्किन है ऑलरेडी लाल हो चुकी है, उन लोग को ये जो क्रीम है इस्तेमाल नहीं करनी है। और सवाल उठता है कितने दिनों में आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे, तो जनरली 6 से 8 हफ्ते मान के चलते हैं हम कि रिजल्ट आने में लगते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि आप और ज़रा टाइम लेके चलिए, यानी कि 8 से 12 हफ्ते अपने पास रख के चलिए। सो हैव पेशेंस। और ये क्रीम भी कोई जादुई क्रीम नहीं है, आपका जो ओरिजिनल कलर है उसको ही इन्हेंस करके देगा, ना कि बिल्कुल ही चेंज करके पलट के गोरा बना देगा एकदम से। ऑलराइट, विद दैट बीइंग सेड, अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू ज्वाइन द कम्युनिटी, इट्स फ्री टू ज्वाइन। एंड मैं इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, आप मुझे भी वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं एंड वहाँ पे भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऑलराइट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइज़।